राई हल्के के मुकीमपुर गांव स्थित बाबा छोटूनाथ डेरे में बाबा छोटूनाथ की बरसी पर योगी बाबा कृष्णनाथ द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत आज निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन शिवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया। स्वास्थ्य जांच शिविर में दुर्गा हॉस्पिटल के चिकित्सकों की टीम सहित रक्त जांच टीम ने भारी संख्या में पहुंचे मरीजों को परामर्श सहित जांच की। इस दौरान अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट एवं अमूल्य हर्ब कंपनी के सलाहकारों द्वारा भी मरीजों को एक्यूप्रेशर थेरेपी देते हुए उचित परामर्श व दवाइयां प्रदान की गई। जगत महान न्यूज से बात करते हुए अमूल्य हर्ब के नाड़ी वैद्य पंडित अशोक ने रोग शिविर में पहुंचे मरीजों के बारे में बात करते हुए कहा कि आज हमारे पास ज्वाइंट पेन के काफी पेशेंट पहुंचे, जिनको हमारे द्वारा परामर्श सहित अमूल्य हर्ब की दवाइयां भी मुहैया करवाई गई। इस दौरान उन्होंने ज्वाइंट पेन बढ़ने के कारणों के बारे में भी बताया। जो आज जांच शिविर लगाया गया है, इसमें ये जो आपका स्टॉल लगा है, ये किस चीज का है? क्या एक्यूप्रेशर का है? ये एक्यूप्रेशर का सर, जैसे किसी को हम बात पित्त कफ पेन पे काम करते हैं, जैसे किसी को ज्वाइंट पेन है वो किस वजह से है, यूरिया शीट बढ़ता है तभी आपको ज्वाइंट पेन होता है, कैल्शियम की कमी है तभी ज्वाइंट पेन होता है, तो उस चीज़ का हम जांच करके फिर हम उसको ना उस तरीके की हम मालिश वगैरह उनको करते हैं, उनसे उनको बहुत ज़्यादा काफ़ी उनको आराम मिलता है। और हम खान पान के जो है डाइटिंग चार्ट वगैरह, आज बहुत सारे लोग हमारे भाई बहन माता जी काफ़ी दुखी है घुटनों की वजह से, तो जैसे यूरिया एसिड वगैरह बढ़ जाता है तो हम उनके जो खान पान को भी उसमें बोलते हैं कि आपको जो है लस्सी नहीं लेनी, चावल नहीं लेना, क्योंकि इनकी वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। पहले हमारे खान पान में बहुत अच्छा था, आज से 30 साल पहले की हम बात करें तो उस टाइम में हम खार को भी आधा कट्टा यूज करते थे गेहूँ के अंदर, आज हम जो ना कहीं के कट्टे यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारी समस्या हमारी समाज में बढ़ चुकी है। कितने पेशेंट आए हैं हमारे? अभी मैंने लगभग 70 के आसपास में ओपीडी की। किस तरह की बीमारी मिली? तो तकरीबन आज भी जितने भी पेशेंट मेरे पास में, तो यूरिया एसिड की दिक्कत सबको ज्यादा पाई है, ज्वाइंट पेन के ज्यादा आया, किसी को डिश में दिक्कत है, किसी के इसमें, तो उसको उनको क्या सलाह दी हमने? उनको दिए कि पानी की मात्रा आप ज्यादा लो, पानी ज्यादा लेंगे तो उनके जो यूरिया एसिड में इनको काफी आराम मिलेगा। जांच शिविर के संयोजक डॉक्टर राजवीर ने बताया कि आज के शिविर में दुर्गा हॉस्पिटल के डॉक्टर की टीम व अमूल्य हर्ब के परामर्शदाताओं की टीम ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान मरीजों की रक्त जांच के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को दवाइयां भी मुहैया करवाई गई। शिविर के दौरान दुर्गा हॉस्पिटल से डॉक्टर शक्ति, डॉक्टर अखिलेश कुमार, डॉक्टर सरिता, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर समीर मेहता, डॉक्टर अमनदीप कौर, डॉक्टर विपुल वर्मा, डॉक्टर चेतन सहित राहुल सैनी, डिम्पी मनदीप व सुरेंद्र मानसी सहित सरपंच दीपक अंतिल व कांग्रेस सेवा दल के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राहुल का विशेष सहयोग रहा। नाथ जी का जो बरसी थी जिसके उपलक्ष्य में जो है, जैसे हमारा 3 दिन का कार्यक्रम है, 7 तारीख को हमारा ब्लड कैंप है, आज हमने जो हेल्थ चेकअप और अवेयरनेस का प्रोग्राम करा है, और 8 तारीख को भंडारा है उनका, 8 तारीख को बरसी है हमारे बाबा छोटूनाथ जी, तो पूरे इन एरिया में पूरा का पूरा इनकी पूरी मान्यता है जी। आज का जो स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया था, उसमें किस किस तरह की जांच की गई और कितने पेशेंट पहुंचे? जी हमने जो है लैब के तो टेस्ट है वो फ्री करवाए हैं बिल्कुल, और खून के जैसे शुगर, ज्यादा आजकल शुगर तो एक महामारी की तरह आ रही है, उसको हमने ज्यादा फोकस किया है, और हॉस्पिटल है जैसे हमारा अपना, तो उसमें और बच्चे पैरामेडिकल, सिवा पैरामेडिकल बच्चों ने पूरा योगदान दिया, और पूरे मरीज जो है हमारे पास जो जनरल, मतलब कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो हमारे पास नहीं है, किसी भी तरह का मरीज हो, और हम उसको पूरा देखा है और दवाइयाँ दी, बस प्लस पॉइंट ये है कि हमने मुफ्त में दवाइयाँ दी है, बहुत सारे लोग दवाइयाँ नहीं देते हैं, हमने 3 दिन की लगातार, आज की नहीं, 3 दिन की दवाइयाँ दी हैं जैसे, और आगे भी नीड होगी तो हम उनको अपने हॉस्पिटल में बुलाएंगे, डिस्काउंट करेंगे, और जो है मेडिसिन भी हम लगभग होगा जो भी होगा मसे बन पड़ेगा तो हम फ्री भी करेंगे। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिसको लाइफस्टाइल में बदलाव ला के ठीक किया जा सकता है, तो क्या इस तरह की भी कुछ डिजीज पता चली और आपने क्या अवेयर किया लोगों? यहाँ क्या कहना है कि जो जैसे ऑर्थो का और ज्यादा स्किन डिजीज, इस एरिया में स्किन डिजीज का ज्यादा वो था, और ऑर्थो का था ज्यादा हमारे उसमें, इसलिए हमने फिजियोथेरेपिस्ट भी यहाँ बुलाए हैं, और ज्यादा हमें तो ऑर्थो का और स्किन डिजीज का ज्यादा हमें लगा इसमें।
क्या आगे भी इस तरह के कैंप आप रेगुलर करेंगे और कोशिश करेंगे अभी जो है हर तीसरे महीने में या दूसरे महीने में अच्छे इससे भी अच्छा बेहतर करेंगे। अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपके हॉस्पिटल में पहुंचता तो उसको वहां किस तरह की रिबेट मिलेगी? बिल्कुल आपको जिस हिसाब से हम 30% तक भी अगर मान लें बिल्कुल जो सक्षम है थोड़ा बहुत भाई और बिल्कुल जो गरीब है हम बिल्कुल मुफ्त कराएंगे उसका कोई भी। ये हॉस्पिटल कहाँ पे है सर? ये अगरसैन चौक पे है हमारा, अगरसैन सेक्टर 14-15 मोड़ पे वहाँ पर है हमारा और शिवा पैरामेडिकल और दुर्गा हॉस्पिटल साथ साथ दोनों हमारे चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं और मेडिकल के वो करवाते हैं और हमारा हॉस्पिटल हम वास्तव में ही सेवा कर रहे हैं। थैंक यू, इसी पर्पज से हम देख रहे हैं। जगत महान न्यूज के लिए राय से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।